माइक्रोवेव ओवन तो बहुत लोग इस्तेमाल में लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नया माइक्रोवेव खरीदने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे मामले में होता यह है कि हम समझ नहीं पाते हैं माइक्रोवेव ले तो कौन सा वाला ले, और इसमें खाना बनाना क्या सुरक्षित है, खाना बनाना हमारे सेहत के लिए सेफ है। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में। जनरली माइक्रोवेव दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वेक्शन वाला और एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल में माइक्रो और ग्रिल दो मोड रहता है, और कन्वेक्शन मोड में माइक्रो ग्रिल और कन्वेक्शन तीनों मोड रहता है। जनरली माइक्रोवेव में तीन टाइप का कुकिंग मोड होता है, तो माइक्रो ग्रिल और कन्वेक्शन। जो भी खाना बॉयल करना हो या गर्म करना हो वो माइक्रो मोड में होता है। रोस्टेड एंड टोस्टेड आइटम्स माने कि रोटी टोस्ट करना हो गया, ब्रेड टोस्ट करना होगा, या वो सब हो जाता है ग्रिल में। और एक मोड है जिसमें ऑल बेकरी आइटम्स बनता है, मतलब केक, पिज्जा, कुकीज, ये सब, ये बनता है कन्वेक्शन वाला मोड में। माइक्रो मोड को चलाने के लिए मशीन इस्तेमाल में लेते हैं हाई वोल्टेज करंट और एक मैग्नेट्रॉन नाम की पार्ट का। मैग्नेट्रॉन जो हमारे खाने में माइक्रोवेव छोड़ता है, और वो माइक्रोवेव हमारे खाने में मौजूद वाटर को गर्म करता है, जिससे कि हमारा खाना भी गर्म होता है। इस प्रोसेस में बना हुआ खाना हमारे शरीर पे बुरा असर नहीं करती है, तो हम बता सकते हैं कि माइक्रोवेव में बना हुआ खाना सेफ होता है। माइक्रोवेव चलाने के टाइम आपको ध्यान में रखना है, जिस जगह पे आप खाना बना रहे हैं और जिस मोड पे बना रहे हैं दोनों ठीक ठाक हो। जैसे कि माइक्रो मोड के लिए आप कोई भी प्लास्टिक वाला बर्तन यूज कर सकते हैं, या माइक्रोवेव प्रूफ जो ग्लास होते हैं वो ग्लास का बाउल यूज कर सकते हैं। वैसा ठीक उल्टा अब ग्रिल में या कन्वेक्शन में कोई भी प्लास्टिक का चीज यूज नहीं कर सकते, मेटल का कर सकते हैं, और माइक्रोवेव सेफ जो बाउल होते हैं उसमें कर सकते हैं। माइक्रो में आप कोई भी मेटल का चीज यूज नहीं कर सकते हैं, और ग्रिल और कन्वेक्शन में कोई भी प्लास्टिक का चीज यूज नहीं कर सकते। अगर आप माइक्रो मोड में स्टील का यूज कर रहे हैं या कोई भी मेटल का यूज कर रहे हैं, तो आपका माइक्रोवेव का जो पार्ट है मैग्नेट्रॉन वो खराब हो सकता है। अगर आप ग्रिल और कन्वेक्शन पे प्लास्टिक का कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो खाना बनाते टाइम वो प्लास्टिक आपका जो बर्तन है वो पिघल सकता है। जनरली माइक्रोवेव लीटर के हिसाब से आता है, 20 से लेके 34 तक आता है, मतलब 20 लीटर से लेके 34 लीटर तक आपको माइक्रोवेव बाजार में मिल जाएगा। नॉर्मली 26 से लेके 28, 32 यही मैक्सिमम चलता है और यही ज्यादा बिकता है। तो आप चिंता कीजिएगा 28 से लेके 32 में कुछ खरीदने का। अगर आपका फैमिली बड़ा है, फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, तो आप 32 का ले सकते हैं, उसमें स्पेस बहुत ज्यादा रहता है। माइक्रोवेव लेने के लिए आपको देखना है माइक्रोवेव कन्वेक्शन वाला होना चाहिए, जिसमें आपका कन्वेक्शन माइक्रो ग्रिल तीनों मोड हो, आपको सभी टाइप का खाना आप उसमें बना सकते हैं। और कुछ माइक्रोवेव आता है डायलर के साथ, एक नॉब रहता है और उसका स्विच जो है टेक्सटाइल रहता है, मतलब आप फील पाएंगे कि एक स्विच क्लिक क्लिक आ रहा है, तो वो वाला आप ले सकते हैं। उसका जो है लॉन्गिविटी ज्यादा होता है, और मेम्ब्रेन मतलब टच जो होता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता है, वो खराब हो जाता है।